को प्रचार प्रसार के लिए यहाँ जो एक टीम बनाई गई है, जिसमें पार्टी की उपाध्यक्ष पिंकी कुशवाहा जी, पार्टी के मंत्री रत्नेश कुशवाहा जी, रूप नारायण मेहता जी और रत्नेश कुशवाहा जी इसमें लगे हैं। इसके साथ साथ मंच पे जो मंच की पूरी व्यवस्था है वो अभिषेक जी देखेंगे, निशान जी देखेंगे, जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र सिंह कल्लू जी देखेंगे, मनोज सिंह जी देखेंगे। यातायात और सुरक्षा में जो हमारे युवा मोर्चा के साथी हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में पूरे बिहार से हमारे कार्यकर्ता आएंगे, तो उनको पूरी तरह व्यवस्थित करने के लिए, क्योंकि कुछ जो बापू सभागार में जिनको पार्किंग कर सकेंगे वो करेंगे, और दूसरा गांधी मैदान में भी हम लोगों ने उनको सुरक्षित किया है कि आधा पूरा हिस्सा में हमारा पूरा यातायात की व्यवस्था रहेगी, और जिसमें हम पूरे पार्किंग की व्यवस्था कर पाएंगे। सज्जा का काम और कार्यक्रम के पूरे अंदर हॉल की व्यवस्था को देखने का काम टीएन सिंह जी, विनय केसरी जी, मनोज दीपू जी, पंकज गुड्डू जी देखेंगे। भोजन की भी व्यवस्था कई जगह पर हम लोगों ने किया है, एक क्योंकि रहने के लिए भी जो लोग रात में आ जाएंगे उसके लिए अभियंता हॉल, ठाकुर प्रसाद जी के हॉल में, और कई माननीय विधायकों के जो सरकारी आवास है, प्राइवेट आवास है, सभी जगह इसी व्यवस्था की जा रही है। भोजन के लिए भी एक प्रबंधन टीम बनाई गई है, अजय सिंह जी, पप्पू सिंह, संजय पप्पू जी, राजेश मुखिया जी, जो गांधी मैदान के पास जो लोग होंगे उनको भोजन की व्यवस्था देंगे, और पार्टी कार्यालय में भी जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता पूरे बिहार से आएंगे उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था की जाएगी का कार्यक्रम है। और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पूरे बिहार के राजनीतिक कार्यकर्ता जो हमारे हैं वो इसमें आएंगे, और एक विशाल कार्यक्रम पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल में मनाने का काम किया जाएगा, जिससे कि हमारे जो राजा, जिसके अशोक स्तंभ को हम प्रयोग करते हैं, अशोक चक्र को यूज करते हैं, राष्ट्र का प्रतीक है, अखंड भारत का प्रतीक है, उस राजा के गुणगान में हम पूरी कार्यक्रम को स्थापित करेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।